हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिमिट। तो उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लिमिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था मेरा कि एक फंक्शन एफएक्स है जो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है, मतलब दिस इज व्हाट फंक्शनल रूल, और हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने अप्रोच क्या बताई थी कि जब भी इस टाइप का कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, जैसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वो एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा कि इधर जो एफ एक्स है वो मेरा ये आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। और मैंने बोला कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, ऐसा करने पे इधर आर्ग्यूमेंट अपने आप एक्स आ जाएगा। तो क्या होगा कि हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स में, और दो इक्वेशन है और मैं मान लूंगा कि वो दो वेरिएबल है, तो उसमें मैं एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स एलिमिनेट कर पाऊंगा। तो बट मैंने उस टाइम एक्सप्लेन करते वक्त ये होमवर्क देते वक्त ये बोला था कि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ऐसा होगा नहीं, करके देखते हैं हम। मैंने क्या किया, बाय लुकिंग एट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हियर, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड एक्स टू एक्स माइनस वन बाय एक्स एवरीवेयर इन दिस इक्वेशन बिकॉज इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो देखना क्या बना हमारा। तो मेरा ये हो गया एफ ऑफ, इधर एक्स की जगह रखा एक्स माइनस वन बाय एक्स, प्लस एफ ऑफ, इधर जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई, पहले इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस वाले एफ एक्स को एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स, थोड़ा वेरिएबिलिटी पार्ट कम जगह तो कम जगह रखना पड़ेगा हमें, बिकॉज एक्स माइनस वन बाय एक्स में सेपरेट कर दिया तो आ गया एक्स वन माइनस वन बाय एक्स। अब मैं रख रहा हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स। चलो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, दिस आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, वन माइनस वन बाय एक्स, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरा फाइनली क्या बना, एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस वन अपॉन, अब ये रख रहा हूं मैं, तो देखना वन माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स के क्या जाएगा, वन माइनस वन बाय एक्स। अभी तक हमने क्या किया, जहां जहां इधर एक्स था उधर वन माइनस वन बाय एक्स रख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो ये तो हो गया एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स प्लस एफ ऑफ, इधर देखना क्या आता है, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूँ, तुम लोग अगले स्टेप में देख लेना। देखना इधर मैं अगर एलसीएम लूंगा तो मेरा आएगा, एक काम करते पहले मैं इधर ही एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स माइनस वन बाय एक्स, तो ये मेरा इधर आ गया एक्स, नाउ दिस इज एक्स माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो लिख सकते हो वन अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, देख लेना कम सिंप्लीफाई करके यही आ रहा है, एंड दिस इज वन माइनस वन बाय एक्स। अब देखो ध्यान से, मैंने आर्ग्यूमेंट चेंज किया एक्स को, ये रिप्लेस किया, तो इधर तो मेरा ठीक है यही चीज आ गई एफ ऑफ वन माइनस, ऑफकोर्स वो तो मैंने किया ही है, बट क्या इस वाले फंक्शन के अंदर एक्स आया क्या, इधर नहीं आया, तो इसमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली क्या होता था अभी तक हमारा, क्या होता था जो भी मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे, इधर हमारा एक्स आ जाता था, तो हम बोलते थे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में हमें दो रिलेशन मिल गए एफ ऑफ वन माइनस एक्स और एफ एक्स में, तो वी कैन सॉल्व इट लाइक टू वेरिएबल्स एंड वी कैन फाइंड एफ एक्स, बट हियर इधर एक्स नहीं आया, इधर आया वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो थोड़ी मेहनत हो गई। तो लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूं, ये मेरी इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। अब क्या करें, अब सुनना, मैंने क्या किया, ये वाला आर्ग्यूमेंट जनरेट हुआ ना, इसी आर्ग्यूमेंट को दोबारा जनरेट करने की कोशिश की इसी इक्वेशन से, पेरेंट इक्वेशन से, तो मैंने क्या किया, अब इस वाली इक्वेशन में क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेरा नया आर्ग्यूमेंट आ गया वो रख के देखते हैं। देखो इसमें तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगेगा, ठीक है ना, ऐसा कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि नहीं इस पाथ में चलेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, बट हाँ कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ कुछ लाइन ऑफ थिंकिंग है, एकदम भी ब्लैंक नहीं है, बट हाँ काफी हद तक हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एक्स में ये रिप्लेस कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट, सो दैट मेरा इधर मेरा ये एक और पार्ट, एक और इक्वेशन आ जाएगी जिसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिप्लेसिंग एक्स विथ वन अपॉन वन माइनस एक्स इस पेरेंट इक्वेशन में, तो ये हो गया एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ, इधर रख रहा हूं वन माइनस वन बाय एक्स, तो वन माइनस वन अपॉन, अब देखना क्या आया, ये देखो वन माइनस वन बाय एक्स है, इधर एक्स की जगह मैं क्या रखने वाला हूं, वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो वन अपॉन तो ऊपर चला जाएगा वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह रखा है मैंने इस वाले इक्वेशन में, तो क्या रखा है वन अपॉन, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स, दिस इज माई, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो देखो ये हो गया मेरा एफ ऑफ
वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस वन तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो थोड़ा अच्छी चीज आ गई, क्या आ गई, हमने ऐसा रिप्लेस करने पे इधर एक्स जनरेट हो गया। अब देखना अब क्या है बेसिकली, अब तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम एलिमिनेट करते हो। नाउ अब मैंने बोला कि मेरे पास तीन इक्वेशंस है, तीन इक्वेशंस है इन थ्री वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स क्या, मैं इधर लिख रहा हूं देखना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स एंड एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स। देखो तो ध्यान से इधर जैसे एफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स इन्वॉल्व है, इधर एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स, एफ ऑफ वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स इन्वॉल्व है, इधर एफ ऑफ वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स और एफ एक्स इन्वॉल्व है। तो इन टुगेदर मैं क्या बोल सकता हूँ, वी हैव थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। सॉल्व लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करना है टू गेट एफ एक्स। समझ में आया बच्चों, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो थोड़ा सा पार्ट क्लीन कर देते हैं, केवल मैं बोर्ड पे लिखता हूँ जो इक्वेशंस हमारी रिक्वायर्ड है, बाकी पार्ट रब कर रहा हूँ। तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ये मैं रब कर रहा हूँ, जितना रिक्वायर्ड है अभी उतना लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। एंड इंटरमीडिएट इक्वेशंस हटा रहा हूँ मैं, देखना अब मेरे पास ये बचा है। इन तीनों इक्वेशंस की मदद से मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो मतलब ये वाला वेरिएबल एलिमिनेट करना है और ये वाला एलिमिनेट करना है। तो देखो क्या करें, पहले तो मैं इसको 1 माइनस वन बाय एक्स लिख लेता हूँ, 1 माइनस वन बाय एक्स, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब क्या किया हमने, देखो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये वाला वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो मेरी जो नई इक्वेशन आएगी वो एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स एंड एफ एक्स में आ जाएगी, और एक ऑलरेडी है, तो वो हो जाएगा टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, तो ये वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये वाला वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए, अभी मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, ठीक है, बट दिस इज फंक्शन एक्स। तो अब मैंने इसको सबट्रैक्ट करूंगा, तो देखो क्या आएगा, एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स, वन माइनस वन बाय एक्स, अब दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ एफ एक्स, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस दिस किया है मैंने, तो इधर आएगा वन माइनस वन बाय एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स। लेट्स से दिस इज माई इक्वेशन फोर। अब देखो जो इक्वेशन वन है और जो इक्वेशन फोर है वो दो वेरिएबल्स में है, मतलब एक वेरिएबल हो गया एफ एक्स और एक हो गया एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स। तो बस अब इन दोनों में से मुझे एफ एक्स निकालना है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे तो ये आएगा, बेटर है कि सब्ट्रैक्ट कर दे तो डायरेक्ट एफ एक्स आ जाएगा। तो नीचे वाले इक्वेशन को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। मैंने बोला नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फोर, क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू या टू फ्रॉम वन, दोनों में चलेगा। तो लेट्स से मैंने इसमें से इसको घटाया, तो एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स क्या आएगा मेरा, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स माइनस एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स, वो जीरो हो गया। तो अब आ रहा है जिसमें क्या बचा, एक्स माइनस ऑफ दिस कंप्लीट, तो माइनस वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो फाइनली हमारा एफ एक्स आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू टाइम्स, देखो इधर क्या आया, x माइनस वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो या तो इतना ही छोड़ दो या फिर तुम एलसीएम लेके लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शंस में क्या दिया है। इफ इट इज गिवन डायरेक्टली दिस वे यू कैन टेक द मार्क, अदरवाइज इसको तुम एलसीएम लेके एफ एक्स लिख लो, फाइनल। क्लियर है बच्चों, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था फंक्शनल रूल में, ठीक है ना। अच्छा इस कारण से था कि एक बार वेरिएबल को चेंज करने पे हमारा इक्वेशन जो आ रही थी वो रिक्वायर्ड नहीं आ रही थी, हमें दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, ठीक है, इसलिए दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ठीक है फिर अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फॉर्मली, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर लिमिट्स। तो ये जो चैप्टर जो है बेसिकली इसका थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसके बाद जो चैप्टर्स आने वाले हैं दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लिमिट्स। मतलब उसका तुम्हारा एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा अगर तुम लिमिट्स कमजोर रह गया। मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या है, बेसिकली जो आगे के दो चैप्टर्स हैं दे आर बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स का एप्लीकेशन है। तो मतलब लिमिट्स निकालना तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आना ही चाहिए आगे के जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, दो स्पेशली दो चैप्टर्स, और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, वो फॉर्मूले वगैरह जो डिफरेंशिएशन के ड्राइव करते हैं, जैसे मैंने बोला साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, अभी तो हमने याद किया है बट इसको हम प्रूफ भी करेंगे, उस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें लिमिट्स निकालना आना चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो फंक्शन तो है ही मेरा बेस,
वो तो पूरा एंटायर कैलकुलस के लिए मेरा बेस का काम करेगा, ठीक है ना, ग्राफ्स वगैरह एकदम क्रिस्प होना चाहिए। बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया हमारा लिमिट्स, ठीक है, क्योंकि अगले दो चैप्टर जो है वो इन्हीं का एप्लीकेशन है, बहुत छोटे चैप्टर है वो, मेन हमारा टाइम जो इलैप्स होगा दैट इज ऑन लिमिट्स ओनली, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो उसके बाद उसको समझते हैं। तो मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, दो लिमिट होती है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, एक एक करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इन शॉर्ट LHL, ठीक है ना, एब्रिविएशन ये यूज होता है LHL, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, H हैंड और L फॉर लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो डेफिनेशन लिखते हैं, देखो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन fx, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू a, a सम कांस्टेंट, लेट्स से 2 पे निकाल रहे हैं हम लिमिट, तो मैं बोलूंगा 2 पे क्या लिखा, LHL ऑफ अ फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू a इज द वैल्यू, इज द वैल्यू इफ एग्जिस्ट, जरूरी नहीं हम इसे एग्जिस्ट करें, तो मैंने ऐड कर दिया इफ एग्जिस्ट टूवर्ड्स विच, टूवर्ड्स विच, टूवर्ड्स विच फंक्शन, टूवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेस, टूवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेस और टेक्स, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोचेस और टेक्स, इसको अंडरलाइन कर लेना, और टेक्स क्या लिखा मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज द वैल्यू इफ एग्जिस्ट टूवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेस और टेक्स एज, एज माई वेरिएबल जो एक्स है इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, एज एक्स इज अप्रोचिंग या टेंडिंग, एज अप्रोचिंग, एज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए, अब मैं लेफ्ट हैंड लिख रहा हूं तो मैं ए को अप्रोच करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो एज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं हम, देखो अब क्या करो तुम, पहले उससे पहले एक बार एक काम करो, आर एच एल और लिख लो, आर एच एल में सेम चीज रहेगी, इधर बस आर एच एल आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, तो पहले इधर ऐसे लिख लो, नेक्स्ट उसके बाद आई विल एक्सप्लेन दिस, राइट हैंड लिमिट, और इन शॉर्ट क्या लिखूंगा, आर एच एल, क्या बोला मैंने, इधर हमारा आ जाएगा बस आर एच एल, तो मैं पूरा कंप्लीट करना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आर एच एल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूएशन में लिखना, एट एक्स इज इक्वल टू ए इज द वैल्यू इफ एग्जिस्ट टूवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेस और टेक्स एज एक्स इज अप्रोचिंग या फिर टेकन टूवर्ड्स, ऐसे करो, अप्रोचिंग की जगह टेकन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम उसको लेके जा रहे हैं, वो खुद से नहीं जा रहा है, फंक्शन तो खुद से जा रहा है, इसलिए मैंने इधर अप्रोचेस यूज किया है, इधर आई शुड यूज टेकन, एज एक्स इज टेकन टूवर्ड्स ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, एज बस ये चीज चेंज हो जाएगी, लेफ्ट की जगह इधर राइट आ जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं एक्स को ए की तरफ लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड से, तो ये देखेंगे फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है या फिर वो क्या वैल्यू ले रहा है, दैट इज नथिंग बट लिमिट। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, तो वीडियो पॉज करके पहले तुम ये दोनों लिख लो, एंड अगेन यू हैव टू राइट आर एच एल ऑल्सो, दो बार रीड करो इसको माइंड में, तो दिमाग में बैठ जाएगी, डेफिनेशन में सब कुछ है, मतलब ये समझ लो पूरा थियरी इसी डेफिनेशन में कवर्ड है, मतलब मीनिंग ऑफ लिमिट, ठीक है। चलो अब हम इसका समझते हैं एक्चुअल मीनिंग विद एन एग्जांपल, तो मैं इसको रब कर देता हूं, देखो उसने क्या बोला कि एक एग्जांपल से समझ रहे, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू लेट्स से एक्स प्लस टू, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, और उसने बोला कि लेट्स से मैं आर एच एल की बात कर रहा हूं, आर एच एल, ठीक है, फिर एल एच एल भी देख लेंगे, उसने क्या बोला कि जैसे जैसे मैं, अब जैसे मेरे को वेरी स्पेसिफाई करना पड़ेगा आर एच एल मैं कहां निकाल रहा हूं, तो आर एच एल एट एक्स इजिकल टू लेट से थ्री, मैं एक्स इजिकल टू थ्री पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, लिमिट निकालना चाह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन उसने क्या बोला कि
क्या होगा कि हम x को RHA लगा लिख रहा हूं मैं, तो मैं x is equal to 3 को 3 की तरफ मेरा वेरिएबल x है लेके जाऊंगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब इस साइड से मैं अप्रोच करूंगा 3 की तरफ। दैट मींस लेट्स से मैंने लिखा 3.5, 3.4, 3.2, 3.1, 3.01, 3.001 एंड सो ऑन। आई विल नेचर देखूंगा कि फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है या फिर वो क्या वैल्यू ले रहा है, वो मेरा हो जाएगा लिमिट। जैसे कि मैंने बोला लेट्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं x इज इक्वल टू लेट्स से 3.5, x इज इक्वल टू 3.5, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा y क्या आएगा, इसमें रखूंगा तो क्या आएगा मेरा 5.5, तो मैंने लिखा y विल बी 5.5। फिर मैंने बोला x को और क्लोज गए 3 के फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो लेट्स से ये मैंने लिखा 3.3 गया, तो y मेरा क्या आएगा 5.3। फिर मैंने कहा और क्लोज जाते हैं 3.1 लिखा, तो y मेरा आया 5.1। फिर मैंने लिखा x is equal to 3.01, तो मेरा y आया 5.01। फिर और क्लोज जाते हैं, मैंने लिखा x is equal to 3.001, y आएगा मेरा 5.001। और ज्यादा क्लोज जाते हैं x is equal to 3.0001, तो मेरा y कहां जाएगा 5.0001। तो अब समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं x को 3 की तरफ लेके जा रहा हूं फ्रॉम राइट हैंड साइड, 3.5 से स्टार्ट किया मैंने और लेट से और जाते जा रहा हूं, और कम होती जाएगी। लेट से मैं और जाते जाते ऐसे लिख दिया 3.infinite बार 0.0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, तो मेरा वाई कहां जाएगा 5.infinite बार 0.0000 फिर 1। तो अब तुम्हें पता चल रहा है वाई किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, 5 की तरफ। हैज दिस लिमिट इज 5। हमने देखो सुनना, कंफ्यूजन होता है, यही बस थोड़ा सा क्रिटिकल है क्या कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फंक्शन की वैल्यू एट x is equal to 3.5 है, वो तो है ही, बट मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो मैंने कैसे निकाला लिमिट। मैंने ये नहीं बोला है कि लिमिट इज फंक्शन का वैल्यू एट x is equal to 3, नहीं, बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। अभी हम देखेंगे उसके भी एग्जांपल देखेंगे, वो उस डेफिनेशन से गलत आंसर आएगा। मैंने क्या बोला, लिमिट इज नॉट फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू एट x is equal to 3 इज नॉट द लिमिट। तो फिर लिमिट पढ़ते ही क्यों, लिमिट उसने क्या बोला है कि हम x मतलब अगर 3 पे निकालना है RHL तो 3 की तरफ अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से, फिर देखेंगे फंक्शन का नेचर कि फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो इधर से पता चला हमें वो 5 को अप्रोच कर रहा है, हैज द लिमिट इज 4 5। क्लियर हो बच्चों? अब जैसे मैंने बोला RHL, जैसे LHL की बात करते हैं, LHL की, तो LHL के लिए मैंने निकाला वही एट x is equal to 3 की बात करते, तो अब हम क्या करते हम इस साइड से अप्रोच करते 3 को। तो जैसे मैंने लिखा 2.5, तो ये x डाला तो मेरा y कितना आता 2.5 प्लस 2 4.5। फिर मैं इसको और कम करते जाता तो x is equal to let's say 2.9 लेता मैं, तो मेरा y कितना आता 4.9। फिर मैं और कम कर रहा हूँ इसको, मतलब कम कर रहा हूं से मेरा मतलब और 3 की तरफ और नजदीक जा रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, बट तो मेरा x लेट से ऐसा आता 2.999, 3 बार 9 लिख दिया मैंने, तो y कितना आता मेरा 4.999। और चलो और क्लोज जाते हैं 2.999 इनफाइनाइट बार लिख दिया मैंने, इनफाइनाइट से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा बार, 100,000 बार 999 लिखा है, तो इधर मेरा वाई कितना आता 4.9999, 100,000 बार 9 आते। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा वाई किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, कहां जाने की कोशिश कर रहा है, 5 की तरफ। इसलिए LHL भी क्या हो गया हमारा 5। अगेन डोंट से कि LHL इज फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, ये गलत डेफिनेशन है। इधर आंसर मैच कर रहा है उससे, बट अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा उधर मैच नहीं करेगा। क्या बोला मैंने, दिस फाइव, जैसे इधर मैं दिस इज नॉट ऐसे लिख लो, दिस इज नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, मतलब इसको मत लिखो, ऐसे लिखो, इस वाले को लिखो, this is not the value of function at x is equal to 3, this is the limiting value, वो भी right hand limit है ये, कि right hand limit मतलब जो x को हम 3 की तरफ लेके जा रहे हैं from right hand side, तो function किस value की तरफ approach कर रहा है, ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना। आज का lecture बहुत important है, feel आना चाहिए तो मेरे limit होता क्या है, ठीक है ना। अब मैं next example लूंगा तो और clarity आ जाएगी, ठीक है। तो video pause करो और इसको copy कर लो। अब मैं एक example लेता हूं जिसमें फंक्शनल वैल्यू अलग आएगी और लिमिट अलग आएगी, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं।
मैंने बोला मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मेरी फंक्शनल वैल्यू अलग आएगी और लिमिट अलग आएगी। देखो कैसे, मैंने बोला y इज इक्वल टू लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर मैंने बोला चलो RHL निकालो एट x इज इक्वल टू लेट्स से 2, मैंने बोला फाइंड RHL एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा हमारा, तो मैंने पहले नंबर लाइन बनाया, फिर मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो ये मेरा हो गया 0 से 1 और ये 1 से 2, और फिर ये जितना जरूरी है उतना ग्राफ, वो 2 के आसपास देखना है तो 2 के आसपास का ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब मैंने बोला RHL निकालना है एट x इज इक्वल टू 2, तो उसने क्या बोला था कि क्या होगा, हमें x इज इक्वल टू 2 को अप्रोच करेंगे बट फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। तो देखो जब मैं राइट हैंड साइड से इधर अप्रोच करूंगा x इज इक्वल टू 2 को, तो मेरा जो फंक्शन वैल्यू है, लेट्स से मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2.5, तो मेरा y कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 विच इज 0.5, एक मिनट रुको RHL निकाल रहा हूं ना मैं, ठीक है एक काम करते हैं, ठीक है चलो इतना, फिर एक काम करेंगे LHL का डिस्कशन भी ले लेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, मैं अभी RHL का ले रहा हूं। मैंने बोला फिर मैं x को और 2 के नजदीक लेके गया, लेट्स से 2.1, तो y कितना आएगा मेरा 0.1, फिर मैंने लेके गया x इज इक्वल टू 2.01, तो y मेरा कितना आएगा 0.01, फिर मैं और नजदीक लेके गया x को 2 की तरफ फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये आया मेरा 2.001, तो y कितना आया 0.001। तो आप समझ में आ रहा होगा y किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। चलो एक और लिख लेते हैं, मैंने कहा बड़ा कम करते करते मैं इसको ऐसे ले गया 2 के और नजदीक, मैंने ऐसे मान लो 100,000 जीरो लिख के फिर 1 लगा दिया, तो मेरा वाई क्या होगा 0.00, 100,000 0,00, फिर लास्ट में 1। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट पता है ना, मैं किसी भी नंबर का क्या होता है उसका फ्रैक्शन पार्ट, इंटीजर हटा देते हैं उसमें इंटीग्रल पार्ट। तो अब दिख रहा है ये मेरा वाई किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे और ये और ये 2 की तरफ जाएगा, तो ये मेरी किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी, 0 की तरफ, 0 की तरफ, तो मेरा ये कितना आ गया RHL at x is equal to 2 is 0। अब कोई बोलेगा कि सर अभी आपने बोला था फंक्शनल वैल्यू अलग आएगी, बट फंक्शनल वैल्यू अगर मैं निकालू इसकी, मैंने बोला व्हाट इज, लेट्स से दिस इज माय fx, तो व्हाट इज f(2), f(2) भी 0 होगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना होता है, 0 आता है, ठीक है इस केस में सेम आ गया। बट अब देखना तुम LHL निकालूंगा तो अलग चीज आएगी, कैसे तो निकाल लेते हैं। मैंने बोला अब हम डिस्कशन कर रहे हैं LHL का, LHL एट x इज इक्वल टू 2, तो LHL की बात करते तो हम 2 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, That means from this side, I'll approach. तो करते हैं, तो मैंने लिखा, पहले लिखा 1.8 से स्टार्ट करते हैं, x is equal to 1.8, तो y कितना आएगा 0.8, फिर मैंने लिखा x is equal to 1.9, y मेरा कितना आएगा 0.9, फिर मैं और 2 के नजदीक गया, that is, let's say मैंने लिखा x is equal to 1.99, तो मेरा y कितना आया 0.99, और नजदीक गया x is equal to 1.999, तो मेरा y कितना आया 0.999। ऐसे नजदीक करते 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 मैं और बहुत ज्यादा नजदीक चला गया 1.999, ऐसे 100,000 200,000 लिख दिया, तो मेरा इसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा 0.999999, 100,000 जितनी बार भी इधर मैंने लिखा। तो देख रहे हो y किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, y 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ग्राफिकली भी देख सकते हो, वैसे भी ग्राफिकल डिस्कशन ऑन लूंगा मैं, टॉपिक आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर यूजिंग लिमिट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिट यूजिंग ग्राफिक्स, तो वो भी देखेंगे, पर इधर के लिए बता देता हूं, जैसे अगर ये x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y मेरा कहां अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ, और ये है क्या मेरा 1, तो मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1। आप समझ में आया जो मैंने बोला था कि लिमिट इज नॉट द फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 तो 0 आ रहा था, RHL 0 आ रहा था, ठीक है लकीली आ रहा था फंक्शन वैल्यू के बराबर, बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर आए, वो हम आगे डिस्कशन लेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर में कि ये तीनों बराबर आते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, वो बात का डिस्कशन है। अभी के लिए मैंने क्या बोला, लिमिट को हम ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज द फंक्शनल वैल्यू, नहीं, फंक्शनल वैल्यू निकालना तो बहुत आसान होता है, क्या करो x की वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में डाल दो तो वो फंक्शनल वैल्यू आ गई, फिर लिमिट का चैप्टर ही खत्म। अगर मान लो ऐसा होता कि लिमिट जो है अगर वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती तो फिर हम लिमिट पढ़ते ही क्यों, फंक्शनल वैल्यू तो बहुत छोटा सा काम है, बट x की जगह वो जो x की वैल्यू है उसको y में डालो, जो तुम्हारा y आया दैट इज आउटपुट,
बट लिमिट ऐसा नहीं है, लिमिट इज वॉट अप्रोचिंग। तो दिमाग में ना 10 बार बोल लो इसको कि y लिमिट इज वॉट अप्रोचिंग वैल्यू, कि हमारा y किस की तरफ जा रहा है, या क्या हम ये नहीं बोलेंगे y की वैल्यू क्या है, y किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, दिस इज द करेक्ट वे। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब देखना, मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट इज, या नोट के फॉर्म में लिख लो या नेक्स्ट पॉइंट ही लिख लो। मैंने बोला फॉर अ फंक्शन, फॉर अ फंक्शन, फॉर अ फंक्शन इफ एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन वी विल से लिमिट एग्जिस्ट। दिस फॉर अ फंक्शन इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, देन वी विल से this implies, लिख लो या फिर this implies limit exists, limit of function at x is equal to a exist। क्या बोला उसने कि अगर मान लो हमें निकालना है किसी function की limit at some point, let's say x is equal to 2, तो हम क्या करेंगे, 2 पे LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे। ठीक है, अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तब मैं स्टेटमेंट क्या कंक्लूड करूंगा कि फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। और लेट्स से मैं इधर एक और लिख देता हूं, लेट्स से दिस इज इक्वल टू एल आया, तो मैं एल को क्या बोलूंगा फॉर द नेक्स्ट पॉइंट में, क्या लिखें, एल इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू या फिर और लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, l को क्या बोलूं, अगर एग्जिस्ट करता है तभी, ऑफकोर्स ये मैंने लिखवाया क्या कि LHL और RHL अगर बराबर आते हैं, और लेट से दिस इज सम l, ऑफकोर्स दिस शुड बी फाइनाइट, l फाइनाइट होना चाहिए तभी तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों बराबर है, ऐसे इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो कोई चीज होती नहीं है। तो मैंने बोला अगर ये दोनों बराबर आए और किसी फाइनाइट नंबर के बराबर आ गए, तो मैं उस केस में इस l को बोलूंगा दिस इज वॉट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, या फिर लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। क्लियर है? अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, लेट्स से मैंने LHL निकाला और वो इन्फिनिटी आ गया, या फिर RHL निकाला वो इन्फिनिटी आ गया, या दोनों ही इन्फिनिटी आ गए, उस केस में क्या बोलूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे लिख लो, इफ एनी ऑफ LHL और RHL या फिर और बोथ दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, If any one of LHL or RHL or both does not exist, मेरा मतलब क्या है? Infinity type चीज। If any one of LHL or RHL or both does not exist, then limit does not exist। या फिर ऐसे लिख लो, इफ एनी वन ऑफ LHL RHL और बोथ आर इनफाइनाइट, डज नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि इधर इनफाइनाइट लिख लो, इफ एनी वन ऑफ LHL RHL और बोथ आर इनफाइनाइट देन लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। समझ में आया? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ऑफकोर्स अगर इनफाइनाइट होगा इनमें से कोई भी, तो आपस बराबर तो होगा ही नहीं, बराबर होते तभी हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, तो इस केस में क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। अच्छा, अब मैंने बोला If LHL slash RHL both are finite, तब क्या बोलूंगा मैं? तब भी मैं चुप रहूंगा जब तक वो मुझे बोले नहीं कि ये दोनों बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ LHL एंड RHL बोथ आर फाइनाइट एंड आर अनइक्वल देन ऑल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, then also limit does not exist। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया ना? तो मतलब LHL और RHL दोनों बराबर आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। अच्छा, तो इसको मैं मैथमेटिकली क्या लिख से लिखूंगा, देखो एक रिप्रेजेंट, चलो पहले वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लो, ठीक है ना, और मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला
कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है लिमिट। जैसे मैंने तो अभी तो क्या लगाया, LHL इंग्लिश लेटर यूज किया, एब्रीविएशन यूज किया, बट लिमिट को लिखते कैसे हैं देखो। तो उसके लिए हम एक एक करके डिस्कशन लेते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं LHL के लिए, ठीक है। तो लिख लो LHL। अभी मैंने क्या लिखा था, जैसे मान लो मुझे x इक्वल टू a पे लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अभी जो मैंने रिप्रेजेंटेशन यूज किया था उसमें मैंने लिखा था LHL एट x इज इक्वल टू a। तो अब इसको हम लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो इधर लगाते हैं L, अब देखो इधर LIM भी लगाते हैं बहुत से लोग, या फिर टेक्स्ट बुक्स में, या फिर LLT भी लगाते हैं। तो दोनों लिख लेता हूं मैं। तो और इसके नीचे लिखते हैं हम वेरिएबल जो मेरा वेरी कर रहा है और वो किस वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है वो हम इधर लिखते हैं। तो लेट से अगर मैंने बोला LHL निकाल रहा हूं, LHL निकाल रहा हूं मतलब क्या है कि ए की तरफ अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स विल टेंड टुवर्ड्स ए, और सिंस इट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सो इसके ऊपर लगाते हैं ए माइनस। इसको रीड कैसे करते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस, और मेरे को जिसकी लिमिट निकालनी है वो फंक्शन इधर लिखते हैं। समझ में आया क्या हुआ, ए माइनस क्यों लगाया समझ में आया, क्योंकि मैं ए को अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ए नेगेटिव मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नॉट माइनस ए, दिस इज ए माइनस। मतलब लेट से मैंने ऐसे लिखा एक्स ऑफ टू माइनस, इसका मतलब मैं टू को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, मतलब ऐसे नहीं लिखूंगा, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड माइनस टू। गलत इंटरप्रिटेशन है, माइनस टू कहां बग गया, वो तो और पीछे चला गया। मेरे को टू की तरफ अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये है। क्लियर हो बच्चों? अच्छा, तो मैंने बोला कि अच्छा इसका फर्दर रिप्रेजेंटेशन, और ये तो हो गया एक तरीका। अब मैंने क्या किया इसी में, ये इसको याद रखना ठीक है ना, ए माइनस मतलब ए की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा इसको मैंने जैसे टेक्स्ट बुक में बोला और क्या क्या लिखा रहता है, LIM की जगह ऐसे भी लिखते हैं LT। LT ऑल्सो स्टैंड फॉर लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। इन सम टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड LIM एंड सम यू विल फाइंड L into T, बोथ आर इक्वेलेंट टू लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली। क्लियर है? अच्छा अब इसको आगे जाके देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट अभी मैं लिख रहा हूं उसको। क्या किया हमने, जैसे क्या होगा ना कि अभी जो मेरा वेरिएबल है लेट से ए की वैल्यू फाइनाइट ले रहा हूं मैं टू, तो टू की तरफ अप्रोच कर रहा है और हम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं। बट आगे जाके हम देखेंगे जो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं लिमिट्स वगैरह में, उसमें जो लिमिट्स जो वेरिएबल है ना जो अप्रोच कर रहा है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। बेसिकली जो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले है दैट इज फॉर द वेरिएबल टेंड टुवर्ड जीरो। तो हम क्या करें, इसको वेरिएबल को जीरो की तरफ टेंड कराएंगे, ठीक है। उसको कराने के लिए क्या किया, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है। क्या किया हमने देखना ध्यान से, बहुत लॉजिकल है। मैंने लिखा एक्स को, मैंने लिखा एक्स प्लस ए प्लस एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। देखना एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो इधर से मेरा जो नया वेरिएबल है एच वो कितना आया, एक्स माइनस ए। देखना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब देखो, अब मैं जैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखते हैं ए की, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने लिखा लेट से एक्स इज इक्वल टू टू था, सॉरी ए इज इक्वल टू टू था। क्या था, मैंने बोला इधर मेरा एक्स टेंड्स टू टू माइनस था। टू माइनस मतलब क्या हो गया मेरा, जो टू माइनस मतलब 1.99 समथिंग, टू के जस्ट पहले। टू माइनस मतलब टू के जस्ट पहले। अब सुनना इधर, मैंने लिखा एक्स इजिकल टू ए प्लस एच। तो अब मेरा जो एच है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, देखो ध्यान से क्या होगा मेरा, जस्ट थिंक इट। देखो पहले तो मैं लिख रहा हूं लिमिट एक नया वेरिएबल दैट इज एच इज स्टैंडिंग टू, बट तुम्हें इधर बताना है और ये हो गया एक्स की जगह ए प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की जगह हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच। नाउ टेल मी, जस्ट मतलब वीडियो पॉज करके ही सोचो क्योंकि लाइव तो है नहीं। मैंने बोला कि एच किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, जस्ट फोकस यार। पहले क्या था, जैसे मैंने लिखा टू माइनस था, ये हो गया टू माइनस मतलब 1.9999 और ए की वैल्यू कितनी मेरी टू, तो ये कितना हो गया, देखो ध्यान से कितना हो रहा है, दिस इज माइनस 0.00001। तो मैं क्या लिखूं, एच किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है बट फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो विद फ्रॉम नेगेटिव साइड।
तो ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इसी के बराबर एल एच एल। अब एक और फॉर्म देखेंगे, रुकना अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या लिखा मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। मैंने क्या बोला, ये क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि जो आगे चल के स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस पढ़ेंगे ना, उसमें जनरली जो जो हमने फॉर्मुले ड्राइव किए स्टैंडर्ड्स, वो वेरिएबल जो है ना वो जीरो की तरफ जाता है, तब उसके लिए वैलिड है वो। तो हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस में जो वेरिएबल है, लेट्स से वो टू की तरफ अप्रोच कर रहा है, टू की तरफ, टू के टू पे लिमिट पूछी है, तो हम उसको जीरो की तरफ अप्रोच कराएंगे यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा, और बाकी एग्जांपल्स आएंगे तो और क्लियर होगा। वैसे भी आज पहली क्लास है तो ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करो, ठीक है। अब फर्दर, अब अगेन एक और चीज, अब मैंने क्या किया इसमें, इसमें फर्दर मैंने क्या किया, एच को माइनस एस से रिप्लेस किया। ऐसा क्यों कर रहा है, अगेन द रीजन इज कि जो एच है ना अभी जीरो माइनस है, तो जो मेरे एक्चुअल फॉर्मुलेज है ना उसमें हम जीरो प्लस पे थोड़ा क्या होता है कैलकुलेशन कम होती है। तो हम क्या करेंगे इसको, अगर एच को जीरो माइनस एस से रिप्लेस करूंगा तो जो मेरा नया वेरिएबल होगा, ऐसे कर लो माइनस एच की जगह टी कर लो, माइनस टी, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है इसको माइनस एच को देखने में, तो क्या करो तुम जो ये काम करो, बेटर रहेगा तुम इसको माइनस टी कर लो, मैं भले उसको बाद में एच बोल दूंगा। मैंने बोला अगर ऐसा लिखा मैंने, तो जो मेरा नया वेरिएबल है टी, वो किसको टेंड करेगा, अगर ये जीरो माइनस को कर रहा है तो टी किसको करेगा, जीरो प्लस को, बिकॉज टी इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ एच, तो टी विल टेंड टुवर्ड्स जीरो प्लस, और क्या हो जाएगा मेरा एफ ऑफ ए माइनस टी। अब मैं टी की जगह वेरिएबल का नाम तो कुछ भी बोल सकता हूं ना, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। देखो इधर से भी वैसे क्लियर हो जाएगा तुम्हें, देखो कैसे मैंने बोला जीरो एच जो है जीरो प्लस को जा रहा है, मतलब 0.00001 है, मतलब जीरो है बट पॉजिटिव है, जीरो के पास है बट पॉजिटिव नंबर है। अगर ए में से उसको हटाऊंगा तो क्या होगा, ए से जस्ट छोटा आएगा, जैसे टू पे निकाल रहा हूं मैं, ए की वैल्यू टू है, ये 0.001 है, तो ये कितना है एफ ऑफ 1.9999। देखो एल एच एल है ना, ए माइनस, वैसे इधर भी देख सकते थे, अगर मैंने बोला जीरो माइनस है, जीरो माइनस है, तो ये बेसिकली जीरो माइनस है, मतलब माइनस 0.0001 के अराउंड है, और ए में ऐड कर रहा हूं, तो ओवरऑल तो ये कम हो जाएगा ना, दिस विल बी ए माइनस, मतलब अगर मैंने ए की वैल्यू टू ली और ये माइनस 0.001 है, तो ए प्लस एच क्या होगा, 1.9999, दैट इज नथिंग बट ए माइनस। समझ में आया, तो मैं इसको एक ही लाइन में हम लिख देते, तो पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके। मैंने क्या लिखा, एल एच एल को हम तीन तरीके से याद रखेंगे आपसे, सिमिलरली आर एच एल के लिए डिस्कशन होगा, सिमिलरली एकदम सेम। मैंने बोला पहले लिमिट, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, शॉर्ट में समरी, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट एल आई एम, लिखो चलो एल आई एम, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, एक तो ये हो गया। दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, देखना मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, समरी हो जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, ये ड्राइव किया था अभी हमने। फर्दर दिस इज इक्वल टू लिमिट, वैसे जनरली हैबिट, मेरी हैबिट होती है एल टी लिखना, ठीक है, थोड़ा फास्ट होता है उससे, बट ठीक है एल आई एम लिख लिया, एच टेंड टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। तो इन चार तीनों फॉर्म में तुम याद रखोगे, इन ऑल दीज थ्री फॉर्मेट। समझ में आया बच्चों, वेरीफाई कर लो, देख लो, वैसे एक बार और देख लेते हैं ये कैसे लिखा। जैसे मैंने बोला ए की वैल्यू अगर 2 है, तो 2 माइनस मतलब क्या हो, 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब 1.9999 समथिंग, तो देखो ए प्लस एच करूंगा, बट इधर एच क्या है, 0 माइनस, मतलब 0 को लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब माइनस 0.0001, तो अगर 2 में माइनस 0.001 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 1.9999, वही तो है इधर। सिमिलरली इधर भी देख सकते हो, ये जीरो प्लस है, तो ओवरऑल क्या होगा, ए माइनस सम पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो क्या होगा एफ ऑफ 1.9999। क्लियर हुआ बच्चों, चलो अब आते हैं हम सेम डिस्कशन विद आर एच एल, तो लिख लेते हैं आर एच एल। पहले क्या करो, अगर तुम लोग करो उससे बार, यही चाहिए मुझे फॉर्मेट, बस इधर अलग हो जाएगा हमारा थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टार्ट करें कैसे, पहले तो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x is tending towards a plus RHL, मतलब a को approach कर रहा हूं from right hand side, तो x tends to a plus f of x, पहली बात तो ये। अब क्या करें हम इसमें substitution करते हैं, x को क्या लिखूं, a plus h, तो मैंने लिखा इसके अंदर मैंने substitution करा x is equal to a plus h,
तो जो मेरा देखना नया वेरिएबल होगा विच इज एच, वो किसको अप्रोच करेगा? खुद सोचो। अब क्या करो समझने के लिए, एक काम करो ए को इधर लेके जाओ। तो ये हो गया एच, कितना हो गया एक्स माइनस ए। अब मेरा एक्स अगर ए को जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड से मतलब जैसे एक्स ए की वैल्यू 2 है, तो दिस इज 2.00001 और ये 2 लिखा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? प्लस 0.00001। दैट मींस एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 बट प्लस, तो एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 बट प्लस, और इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की आगे क्या लिख दिया ए प्लस एच। और ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो ए में अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करी, तो अगर ए की वैल्यू 2 है तो 2.00001, तो ये क्या होगा 2.0001 व्हिच इज नथिंग बट आरएच। क्लियर हो बच्चों? अच्छा अब मैं इसमें क्या करूं, फर्दर एच को मैं माइनस एच से रिप्लेस कर देता हूं, मैं टी यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली आई एम राइटिंग इट, एच को माइनस एच से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा जो नया एच है वो ये 0 प्लस था, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, दिस इज व्हाट माय आरएचएल। ठीक है, तो मैं इसको भी एक ही जगह एक लाइन में लिख देता हूं, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको पहले कॉपी कर लो। ठीक है, मैं एज ए समरी लिख रहा हूँ और तुम लोगों को भी लिखना है, ऐसा नहीं कि एक बार कॉपी कर लिया फिर जो मैं लिख रहा हूँ वो एक लाइन वो नहीं लिखना है, समरी करके लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन के टाइम काम आएगा ये। तो मैं इसमें पार्ट को रब कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इधर ही, प्रूफ वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली समरी लिख रहा है। क्या लिखना? दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स, क्या लिखा मैंने, एक तो लिखा 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा RHL एंड RHL इन थ्री फॉर्मेट्स, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यूज करेंगे, क्या मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखो ये तो हो गया बेसिक, ये कब काम आएगा, जब ज्यादातर काम कम आएगा जब हम स्टैंडर्ड लिमिट्स वगैरह पढ़ेंगे ना उधर हम, अरे हमारा मतलब मकसद क्या होगा कि जो वेरिएबल है ना वो 0 पे अप्रोच करें, तब हम इस टाइप का सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, तो पॉज द वीडियो और इसको एज ए समरी लिख लो जो भी हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। लेट्स से अब एक चलो फ्रैक्शन पार्ट का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू लेट्स से 5। चलो x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखते हैं इसको। मैंने बोला ग्राफिकली करेंगे हम, तो ग्राफिकली मैंने उतना ग्राफ बनाया जितना जरूरत है, 1 के आसपास का ग्राफ। ठीक है, तो दिस इज 1। तो मैंने बोला पहले हम लेट से LHL की बात करते हैं, तो LHL एट x इज इक्वल टू 1 ऑफ व्हाट, इधर ऐसे भी लिखो LHL ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1 कितना होगा हमारा। अब हम 1 की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे जो y है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये पहले भी हो गया था हमारा 1 के तरफ, तो मेरे LHL क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। RHL ऑफ fx एज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, मैंने उधर 1 नहीं लिया था, उधर कुछ और लिया था, ठीक है ना, 2 लिया था आई थिंक, इधर मैंने 1 ले लिया। तो अब RHL मतलब मैं इस साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो मेरा y है जो है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, ये इसकी तरफ जाएगा, दैट मीन 0 की तरफ, तो दिस इज 0। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसने बोला था लिमिट निकालो, उसने LHL और RHL अलग अलग नहीं बोला था, जैसे हमने जब शुरू में पढ़ा था तब मैंने उतना पूछा था कि LHL क्या होगा RHL क्या होगा, बट इसने अभी क्या पूछा फाइंड द लिमिट, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंस LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, लिख लो इधर, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? चलो अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर और ले लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ी और फील आ जाएगी, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। मैंने क्या किया, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर ले लेते हैं, अरे तो एक काम करो पहले फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर, अब एक ऐसे नंबर पे लेते हैं बीच में कहीं, मतलब इंटीजर्स पे नहीं लेते हैं, इंटीजर्स पे तो मैंने क्या देखा लिमिट बराबर नहीं आई, तो लेट्स मी कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द सेम फंक्शन, ऐसे लिख लो चलो, फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू लेट्स से 1.5।
अब मुझे 1.5 की तरफ निकालना, इसकी लिमिट निकालना है, तो देखते हैं इसको। अगेन आई विल सी इट ग्राफिकली, तो बनाते हैं ग्राफ। देखना ये मेरा हो गया, दिस इज माय 1.5, ये 2 है, ये 1 है। तो 1.5 पे वैल्यू कितनी होगी, कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट, 0.5। ठीक है, ये मेरा ग्राफ हो गया। अब मैं पहले LHL की बात करता हूं, तो लेट्स से मैं फर्स्ट LHL निकाल रहा हूं, तो LHL मैंने क्या बोला, LHL एट x इज इक्वल टू लेट्स से 1.5, तो क्या करूंगा मैं x को लेके जाऊंगा 1.5 की तरफ, 1.5 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब मैं लेके जाऊंगा, तो जैसे मैंने एग्जांपल के, जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1.4, तो मेरा y कितना आएगा 0.4। फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1.4, चलो 1.49, तो मेरा y कितना आएगा 0.49। फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1.4999, और बढ़ा दिया, तो y कितना आया 0.4999, एंड ऑन। तो जैसे जैसे मैं इसको और नजदीक लेके जाऊंगा 1.5 के, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, y, 0.5 को, hence LHL is 0.5। क्लियर हुआ बच्चों? अब मैं RHL की बात करता हूं। मैंने कहा अब RHL की बात करते हैं, तो लेट से x is equal to, मैंने स्टार्ट किया 1.6 से, तो y मेरा कितना मिलेगा 0.6। फिर मैंने x को और 5 के नजदीक लेके गया, तो लेट से x is equal to 1.5, चलो 5.5 लिख लिया, तो y कितना आएगा 0.55। फिर मैंने और नजदीक लेके गया, x is equal to 1.51, तो मेरा कितना आएगा y is equal to 0.51। फिर मैंने लिखा x is equal to 1.501, तो मेरा y कितना आएगा 0.501। फिर सिमिलरली मैं और छोटा करते गया, और छोटा करते करते ऐसे ले गया 1.5000 इनफाइनाइट बार लिख दिया, मतलब बहुत लंबे बार, और इधर 1 लगाया, तो मेरा y किसको जाएगा, y is equal to 0.50000 इनफाइनाइट बार 1। Now you can see कि जैसे जैसे मेरा x 1.5 को अप्रोच कर रहा है, y किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है 0.5 को, hence RHL मेरा कितना हो गया, RHL is equal to 0.5। अब उसने क्या बोला था, लिमिट निकालो, तो अब मैं बोलूंगा since LHL is equal to RHL is equal to 0.5, hence the value of limit of fx is equal to this fractional part at x is equal to 1.5 is 0.5। क्या लिखूंगा इधर, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो कि as LHL is equal to RHL, as LHL is equal to RHL is equal to 0.5, therefore value of limit of fractional part of x at x is equal to 1.5 is 0.5। पूरा लैंग्वेज में लिखना, डायरेक्टली नहीं लिखना, आंसर इज 0.5, you have to write it in statement form। अभी हमें प्रैक्टिस करना है, थोड़ा फील लेना है सब्जेक्ट का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का स्टार्टिंग है, ठीक है ना, तो एक एक कोई मक्कारी नहीं देनी है, ठीक है ना, हमें प्रॉपर लिखना है। चलो तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या वो देखते हैं। मैंने लिखा वही उसी के ऊपर है, जैसे मैंने बोला फंक्शन की वैल्यू एंड फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, इसमें डिफरेंस होता है, उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि देखना क्या लिख रहा हूं, एज ए नोट के फॉर्म में लिख लो पहले। मैंने लिखा ऐसे लिख लो इसको, एक्स अप्रोचेस, एक मिनट एक काम करो, ऐसे लिख लो, एक्स अप्रोचेस ए डज नॉट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं एक्स ए है, ए की तरफ जा रहा है मतलब वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड से ए की तरफ मूव कर रहा है, दिस डज नॉट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6, लेट्स से। फिर मैंने बोला वॉट इज एफ ऑफ 6, तो वॉट यू विल से, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 रखने पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ये डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन। बट अगर मैंने वही चीज तुम्हें बोली कि लिमिट ऑफ एफ एक्स
तब देखो क्या आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्या किया मैंने, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज किया मतलब लिखा x माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स माइनस सिक्स। अब मैं इस फैक्टर को कैंसिल कर देता हूं। अब फिर कोई बोलेगा सर ये तो जीरो है ना अगर x सिक्स है तो। वही तो मैं बताना चाह रहा हूं, x सिक्स नहीं है, x सिक्स को अप्रोच कर रहा है, x सिक्स को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये जो लिखा है ना, ये जो चीज ब्रैकेट में लिखी है जो मैंने अभी जो काटी है, दिस इज नॉट नॉट जीरो, दिस इज अप्रोचिंग जीरो। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार इस चीज समझ में आ गई ना तो लिमिट में मतलब काफी अच्छे हो जाएगा तुम्हारा। दिस इज अप्रोचिंग जीरो, दिस इज अप्रोचिंग जीरो नॉट जीरो। तो वही तो मैं चीज लिखवा रहा था, अप्रोचिंग जीरो और एग्जैक्ट जीरो, मतलब एग्जैक्ट ए, इसमें अंतर है। ठीक है, तो अगर जीरो नहीं है, नॉन जीरो क्वांटिटीज को तो मैं कभी भी कैंसिल आउट कर सकता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब मैं इसलिए लिख रहा हूं, सिंस दिस इज नॉट जीरो, दिस इज जीरो अप्रोचिंग जीरो नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, बहुत छोटा होगा, 0.00001 होगा, बट जीरो तो नहीं है, तो इसलिए आई कैन कैंसिल और फिर लिखूंगा एक्स प्लस सिक्स। अब x अगर 6 को जा रहा है तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 12 को, तो आंसर मेरा हो जाएगा 12। समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x इज इक्वल टू x अप्रोचेस a डज नॉट इंप्लाइज x इज इक्वल टू a, वो हमने देखा इधर। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज, अब एक नोट और लिख रहा हूं, उससे पहले मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं तुम्हें, फिर मैं उस एग्जांपल के आधार पर वो नोट लिखवाऊंगा। तो एग्जांपल इज जैसे मैंने लिखा, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फास्ट लिखूंगा थोड़ा आंसर, बट मुझे इसके आधार पे एक नोट लिखवाना है। मैंने बोला कि लेट से मैं लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू लेट से 2-3 जो भी लेना है, एक इंट्रीजर ले लिया, तो वी नो ये तो मैं कर चुका हूं कि इधर मेरी LHL क्या आता है, LHL जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो वो फंक्शन किसको अप्रोच करता है, 1 को, तो LHL तो मेरा 1 आता है और RHL कितना आता है मेरा, 0 आता है। तो लिमिट क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट डी एन ई। अब देखना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज, मैं पहले एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और फिर सोचना वो करेक्ट है या नहीं। मैंने बोला लिमिट का एग्जिस्ट होना या ना होना फंक्शन वैल्यू पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, फंक्शन वैल्यू मे और मे नॉट एग्जिस्ट और लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्या बोला दोबारा, मैंने कहा लिमिटिंग लिमिट ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन बीइंग डिफाइंड और नॉट। पहले लिख लेते हैं, मैंने लिखा, तो मैं लिख रहा हूं, चलो इधर ही लिखते हैं, मैंने लिखा आई विल क्रिएट अ स्पेस, चलो इधर ही लिखते हैं। मैंने बोला लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ फंक्शन बीइंग डिफाइंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ फंक्शन बीइंग डिफाइंड और नॉट। वीडियो पॉज करके सोचो क्या है ये लिखा है मैंने, जस्ट थिंक अबाउट इट वंस, खुद से सोचोगे तो ज्यादा सीखने मिलेगा, और टेक हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। उसने क्या बोला कि लिमिट का एग्जिस्ट करना और ना करना फंक्शन की वैल्यू पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, फंक्शन एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, उसका लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहले केस में मेरा क्या हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू तो डिफाइंड नहीं है बट लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, 12 आ रहा है, और इधर उल्टा हो गया, इधर मेरा क्या है, फंक्शनल वैल्यू तो आएगी क्योंकि एफ ऑफ टू कितना होगा, अगर मैंने बोला एफ ऑफ टू कितना होगा, 0, ऑफकोर्स 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0, तो फंक्शन वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देख रहे हो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट किया बट फंक्शन डिफाइन नहीं था, इस केस में उल्टा हो गया, इसमें फंक्शन डिफाइन है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। तो वही ये चीज बोल रहा है कि लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट कर भी सकती नहीं भी कर सकती, उसका फंक्शनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये जो भी अभी पढ़ाया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या करना आज का जो लेक्चर है ना मैं थोड़ा छोटा ही रखता हूँ आज का, क्या है रीजन इज कि आज जो है ना ये जो डेफिनेशंस है ना ये तो मैं दिमाग में बिठानी पड़ेगी। ठीक है, एक बार ये तुम्हारी ये वाले जो टर्म्स है जैसे मैंने अप्रोचिंग टेंडिंग, ठीक है ना, ये सब दिमाग में बार बार रिपीट करोगे ना, मतलब मेरा मानना है कि जो अभी का लेक्चर मैंने बनाया तुम लोगों के लिए अभी, इसको 2-3 बार देखो, ठीक है ना, तो थोड़ा स्मूथ एक बार दिमाग में बैठ गई चीजें
तब हमारा बहुत स्मूथ जाएगा। वैसे मैं जनरली और किसी चैप्टर के लिए नहीं बोलता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए एकदम नया चेंज, नया चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि जनरली हम कभी पढ़ते नहीं लिमिटिंग अप्रोचिंग वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला क्या कि आज हम इधर ही लेक्चर एंड अप करते हैं आज का, और कल फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर, नया चीज सीखेंगे इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स। तुम लोग आज का लेक्चर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रिवाइंड करके देखना, मतलब अगर नहीं भी देखो तो एटलीस्ट जो नोट्स है ना जो तुम लिख रहे हो एक बार में, उनको दो तीन बार गो थ्रू करना, तब जाके ये टर्म्स दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि आज वाला चैप्टर फील के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट की फील आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो बहुत हो गया आज के लिए, फिर चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।